चल खाता निकाल, हिसाब किताब कर ले। हाँ बोल, कहाँ से कितना? ये सब्जी वाले पांडे का 1,000, ऊपर से 1,500 ब्याज, इसको खत्म कर दे। क्या? अरे इसका खाता खत्म कर दे। और ये दया कसाई का 3,084.50। और हाँ हाँ देख, ये चपरासी सतीश के 8,000 हैं, लेकिन इसको लेन देन की बही में नहीं, इसको रिश्वत की बही में डाल, इसे मैनेजर की तरक्की चाहिए। अरे इसमें 102 रुपया कम है। अच्छा तो मुझे क्यों दम देता है? ये पैसा इस चांडाल का है, तेरा थोड़ी है। तू कागज चल, उंगली चला, मेरे मामले में उंगली मत कर। एक तो साला पुलिस की पगार लेता है, ऊपर से रिश्वत खाता है, और उतार जैसे चढ़े ब्याज उसको चलाता है। मतलब बकरा बकरा हजम और बकरी पे दम। ये नरक तो जाएगा ही, और साथ में गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसा? ये साहब मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? वसूली करने गया था तो 60 रुपया ऑटो का आने जाने का। ऑटो जान से मार दूंगा। पैसे दिए ठीक है, हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। मेरी बहन ने हाथी जैसे पैर दिए हैं मुफ्त में, तो वो गले में टांग कर सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं। बाकी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए बाकी के? धमकाने में जरा जोर आया, उसके लिए नाश्ता कर लिया। नाश्ता? 1 केले का 2 रुपया, कटिंग चाय का 2 रुपया, होते हैं 4, बाकी के पैसों से दिवाली मना रहा था तू? ए सुन चौधरी, 1 हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बंद। मर जाऊंगा मामा। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी, नौटंकी कहीं का। चल पान के गले पे बैठ। पान? और सुन, गिन के रखे हैं पान, एक भी पान चबाएगा तो मैं तुझे चबा जाऊंगा। और सुन, कल से वसूली पे तू जाएगा। अरे सुन तो, मैंने पहले ही बोला था, ये साला मानेगा ही नहीं। अरे कब तक मामा का थप्पड़ तू खाता रहेगा? और वो हरामी घर की चिपकली को तुझसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं। तू मरेगा भी ना उसके लिए, तो वो तुझे जलाएगा नहीं, जंगल छोड़ाएगा, क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। हाँ, और ये सब क्यों? क्योंकि तू उसका गुलाम है। तू हमारा पार्टनर बन जा, महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत, बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। सोच ले, पैसे की चमक से चमचमाता हुआ तू सीना फाड़ के जब वो फटीचर मामा के सामने खड़ा होगा तो कैसा लगेगा? सोच सोच। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गिरवी रखेगा क्या? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? है। क्या? मेरे पास एक प्लान है। क्या नाम बताया? सुनील नाहटा। क्या लगता है वो तेरे दोस्त का? जीजा। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा आदमी मामू, लेकिन मैंने साफ बोला कि धंधे यारी में कोई दोस्ती नहीं, कि साथ दे साथ ले। क्या ताली? नहीं मामू, गहने, सोने हीरे के गहने, गहने अपने पास और पैसे उनके पास, पैसे नहीं लौटा पाए तो तेरे बड़े दोस्त की बड़ी कब्र बना दूंगा, याद रखना समझे। रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता, ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे। मामू कुछ गड़बड़ हुई तो गहने बेच के पैसे वसूल, बोलो कबूल। पहले घर देखूंगा फिर तय करूंगा, अगर कुछ झोल निकला तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। पैसे किस भरोसे दे रहे हैं वो? गिरवी क्या रखा है? मारू। मारू के मामा है, बहुत अच्छे इंसान है। हमने बिजनेस करने की क्या सोची, उन्होंने तो कर्जा देने की ठान ली। हमने बहुत मना किया तो बोले चलो ब्याज पे ले लो। हाँ लेकिन हर हफ्ते ब्याज देना पड़ेगा। उसकी फिक्र क्या दीदी, धंधे का पैसा बरसने लगेगा तब तक। 2-4 छींटे अपने जीजू पर भी उड़ा देना, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हट जरा। दीदी वो हमारी इतनी मदद कर रहे, जरा अपने हाथों से मिठाई दे देना प्लीज। 2 किलो की है, सोने का वर्क है। अच्छा हाँ। पहले तो मिठाइयां चांदी के वर्क में हुआ करती थी। अपने हाथों से ये मिठाई उन्हें देना और उनसे पैसे लेके हमें देना आशीर्वाद के साथ, उसी के लिए तो हम यहाँ आए। डोर आ गया, चलो चलो। आ गया हरामी। नमस्ते। आइए।
तो अच्छा है। सामान इनका है या भाड़े पे लाए? इनका अपना है मामा जी। आप बैठी ना, बैठी ना, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। दीदी दीदी, ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। मुझे तो शैतान लग रहे। दो दोस्त, ये और वो, तीनों दोस्त। रोकड़े लाया हुआ है, ब्याज देना पड़ेगा हर हफ्ते पूरे 10%। जिस दिन ब्याज चुके उस दिन सोना गायब। दीदी ये मामा जी, मामा जी ये दीदी जी। नमस्ते जी। आप बच्चों की इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। खुशी तो मुझे भी है, ब्याज जो लेने वाला हूँ। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, बच्चे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। दीदी दीजिए ना, बॉक्स दीजिए ना। लीजिए ना। हाँ अच्छा अच्छा, कितना है? दो दो? दो किलो, दो किलो। सोने का है ना? हाँ हाँ, वर्क वर्क, सोने का वर्क। हाँ सोने का ही है, आजकल चांदी का जमाना तो गया। थैंक यू, ये लो। ये आप अपने पास रखिए ना, आप कॉफी ले आइए ना मामा जी के लिए प्लीज। पंकज आप ले आइए ना, आप रखिए कॉफी। क्या हुआ? अबे रुदाली की डिंपल बन के क्यों आया? किसने मारा? अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा साले की खाल उधेड़ देंगे, बोल। अबे नाम तो बता। मामा। मामा ने मामा, तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है, जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या बे? जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबारे, बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत, मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला, तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अभी तो बोला ना कुछ बोलो, तो बोल दिया, और भी कुछ बोलू? सब जेल, डांस बार, झोपड़ पट्टी, कचड़ा पट्टी, जहाँ जहाँ आपने मेरी ड्यूटी लगाई सब जगह ढूंढा, लेकिन मारू कहीं नहीं मिला। बुरा मत मानना साहब, आपने मुर्गे की बांग पर भरोसा तो कर लिया, लेकिन बांग दोपहर की थी। अबे जले पे नमक क्यों छिड़क रहा है? मारू को मार गोली, पक्के के जीजा का क्या है? उनके घर पर तो कब से ताला ठुका है, अड़ोस पड़ोस में पूछा लेकिन किसी को उनके नए घर का पता नहीं पता। अब देख, दो चार नए इलाके में मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, तब तक तू शिकारी कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ नाक फुसफुसाता रहे, समझा ना? ब्याज तो बढ़ता ही रहेगा और सारे गहने अपने पास तिजोरी में बंद पड़े हुए हैं। चिंता की बात नहीं है रे दड़बदरे, सारी नाड़ियाँ अपने हाथ में ही हैं। आधा घंटा हो गया है। बोला था मैंने तुमको। अबे पता है उसे जगह, ये तेरे जैसी अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है वो, उसे 10:30 का टाइम दिया था, अभी 10 बज रहे। अच्छा सुन, हमारी पहचान तो इस अंदाज से कराना कि झटके से पता चले कि हम राहुल के कितने करीब हैं, और हमने तेरी पहचान उससे कराई। हाँ हाँ बोल दूंगा यार। अबे तू खड़ा क्यों, बैठ। हट, ड्रेस में झुर्रियां आ जाएंगी, कैसा लगता हूँ मैं? शाहरुख शाहरुख शाहरुख। मुंह पे मटका रखेगा तो एकदम शाहरुख। ट्राई कर लूं क्या? मामू 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 मामू, तू ऋतु को फोन करके बोल कोरियंथन स्विमिंग पूल आ जाए, वहां भी एक कॉफी शॉप है। हाँ लेकिन यार वो मोबाइल लाया नहीं ना, नहीं तो कर लेता फोन में। झूठ मत बोल साले, ये क्या दिख रहा है मेरे को? चल फोन निकाल, चल। हाय हाय हाय। हाँ हाँ निकाल रहा हूँ, अबे रुक ना। ये रहा। बिजी है बिजी साले, लगा हुआ है कर बात। हाँ ऋतु, हाँ मैं पक्या बोल रहा हूँ, पंकज बोल रहा हूँ। ऋतु वो मॉल के जगह हम लोग कोरियंथियम स्विमिंग पूल मिल सकते हैं? नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, मतलब तुम्हें मिलके बताता हूँ मैं। हाँ
देख मैं अभी से बोल देता हूँ, रितु के बाजू की सीट की बुकिंग मैंने की है। हाँ ओके, लेकिन दूसरे बाजू की सीट मैंने बुक कर ली है। कोई बुकिंग वुकिंग नहीं कर सकता, रितु ने टिकटें खरीदी हैं, जो जिसके हाथ में आए वो वहीं बैठेगा। ओके सही है, सही है, बिल्कुल सही है। हेलो कहाँ हो तुम? अरे नहाने के लिए बाथरूम चेंज किया तो मुझे बताना चाहिए था ना। तेरे लिए ला दे। कौन है? हाय मार्तंड। मारो साले कटिंदर। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। टू मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद। अबे अबे मारू, अबे मारू के बच्चे, तेरी खाल तो मैं बाद में उखाड़ूंगा। चौधरी नाटा का सोना लॉकर से बाहर निकाल। आज का भाव बोलो और टोल मोल के माल दे दो जी। मेरे से मटर कश्ती करता है साला। इतना ओखली में मुंह डाल डाल के कूटने जैसी क्या बात है? झटक से बोलना कितना मिलेगा? कम से कम 3 साल। क्या आप यही तशरीफ रखिए, हम पैसा आपको गिन के अभी देते हैं। ओ कछुए के बाराती हो, जल्दी करो, अपने पास टाइम नहीं है। आए वो ठग। यही है वो ठग साहब। सर ए डाल दे इसको डिब्बे में। डिब्बे में? मैंने क्या किया है? हिम्मत तो देखो बगले भगत की, पूरे नकली जेवर बेचने चला था तू मुझे। नकली है? नकली है? तेरी एक्टिंग असली है। अरे क्या चल चल। ए हाथ नहीं लगाने का, अपन भी पुलिस वाला है। साले माइकल दादा, तूने यहाँ अपना नंबर छोड़ा और हमें फोन करने को बोला, वरना तुम हमारे कफन से लाओगे। हाँ तेरे भाई ने हमारे हाथ की गर्मी देखी है, अब तेरी बारी है। और साले अगर एक बाप का है ना तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, तेरा दूसरा बाप वहाँ पे। सुनो साथ में कफन ले आना, हमारे काम आएगा। साले तेरी लाश को ढकना तो पड़ेगा ना। मुझे भी दे, मुझे भी दे। डाल डाल पैसा डाल, पैसा डाल, पैसा डाल। हेलो हाँ मामू है। हाँ पता है कौन है फोन पे? तेरा कॉल है। नौकरी गई ना, अब तू तेरे पैर भी कमाएगा। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में रे हरामी है? साले रिश्वत खाका के पैसा कमाया है, साले तू मरेगा नहीं तू सड़ेगा है। सुना है तुझे एक खच्चर की तलाश है? तू साले मेरे पास आना तो तुझे कानी कान ऐसा बजाऊंगा कि साले तू बहरा हो जाएगा। मैं कहा हूं? अगर हिम्मत है तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। है साले तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना, रख तेरी माँ का नाका मामा। कुचल दो कमीनों को। मारो सालों को। अरे फाड़ डालो सालों को। मारो सालों को। मारो। ये मारो। ये मुझे नहीं मारना साले बंदे। ये तुम क्या किसे? आराम खोर, तू फिर से। सारे लोगों तेरे को मैं मिलता हूँ क्या? उतार नीचे। Yeah!
किसी ने हिलने की भी कोशिश की तो आग लगा दूंगा, सब जल के राख हो जाएगा। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। दादाजी यहाँ आइए, तू नीचे कर। दादी इधर आइए, इधर आइए। ए पक्या साले एड़े, तू मेले में आया क्या? जा जाके गाड़ी लेके आ, हाँ जल्दी। आइए आइए आइए, लवन कोई नहीं रहेगा तुम लोगों से, सब अपनी अपनी जगह खड़े रहो, पैर में खिला भर के खड़े रहो। बैठ जाओ, हिलना मत वरना मैं लाइटर फेंक दूंगा। जा तू उधर, बैठ बैठ चल 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 चल, इधर मत आ यार चल जाएगा। मुझे भी तो बिठा, हट हट, चल मुझे भी तो बिठा, चल 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 इधर, चल मुझे भी तो बिठा। जगह नहीं है तो मेरे लिए जगह मेरे लिए कर, मैं चलो चल ना।